Hello and welcome to my channel Amrita Raichan Chef and Beyond. Today I'm going to make a delicious coleslaw sandwich. अब कई लोगों ने कोल्सलॉ सैंडविच खाई तो है लेकिन इसके नाम से फेमिलियर नहीं है एंड यूजुअली लोग ये भी सोचते हैं कि कोल्सलॉ सैंडविच सिर्फ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में मिलता है या फिर कैफेज में मिलता है। तो चलिए आज ये सारे इल्यूजन्स को हटा देते हैं और बनाते हैं ये डिलिशियस क्रीमी एंड क्रंची कोल्सलॉ सैंडविच। Originated in Netherlands and comes from the word kousla, matlab cabbage salad. So, cabbage salad ka jab sandwich banega, to naturally cabbage to padega hi. We are going to use some purple cabbage and some green cabbage and I'm going to shred this really fine. Chaliye, let's do that first. अब इसका जो कोर है ना कैबेज का इसे आप निकाल दीजिए बिकॉज यू डोंट वॉन्ट दैट हार्ड पार्ट इन योर माउथ। लवली, बीच के हिस्से को हम थोड़ा निकाल देंगे सो दैट इसे फाइन श्रेड करने में आसानी हो जाए। Fine, just like this. Similarly, I'm going to cut off the green cabbage as well. अब कोई भी हार्ड हिस्सा हो, whether it's the core, whether it's the स्टेम और द इनसाइड वेन उसे आप जरूर निकाल दीजिए। चलिए अब हमारा ग्रीन कैबेज भी तैयार हो गया श्रेड होके। आइडियली ना कोल्सलॉ सैलेड में ज्यादातर सिर्फ कैबेज और कैरेट ही डालते हैं। अगर आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे आज मैं एक एक्सेप्शन कर रही हूँ, आई एम एडिंग सम कैप्सिकम बट नथिंग मोर देन दैट। पर कई लोग उसमें अपने पसंद के वेजिटेबल्स डाल देते हैं, कई लोग अनियंस भी डालते हैं, कई लोग यू नो रेड एंड येलो पेपर्स भी डालते हैं। मैं सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम डालने वाली हूँ। तो ये जो कोल्सलॉ सैलेड बनेगा उसकी डिलिशियस ड्रेसिंग बनेगी और फिर ये सैलेड विद इट्स डिलिशियस ड्रेसिंग जाएगा हमारे ब्रेड के स्लाइसेस में टू मेक आवर डिलिशियस सैंडविच। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू ट्रिम ऑफ द कैरेट एंड देन आई एम गोइंग टू पील इट। और इसके बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। अब ग्रेट क्यों करेंगे, आप जूलियंस भी काट सकते हैं पतले पतले, लेकिन जूलियंस आप जितने भी पतले काटेंगे ना स्टिल दैट लिटिल एक्स्ट्रा थिक बाइट विल कम व्हिच वी डोंट वांट। इसलिए व्हेन यू ग्रेट इट इट विल बी नाइस एंड थिन येट उसमें हल्का सा क्रंचीनेस होगा। चलिए तो इसे ग्रेट कर लेंगे। अब वील मूव ऑन टू द कैप्सिकम। ऑल राइट, अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं ये जो ट्रिमिंग्स हैं इसका हम क्या करेंगे, गॉट इट राइट, कभी भी फेंकेंगे नहीं, इसे हम यूज करेंगे स्टॉक बनाने के लिए। यू वांट टू मेक चिकन स्टॉक और यू वांट टू मेक वेजिटेबल स्टॉक, ये हमारे बहुत काम आता है। अब ये सारे वेजिटेबल्स को हम एक बोल में डाल लेंगे। क्या सुंदर लग रहे हैं ना ये सारे कलर्स। एंड एक्चुअली कोल्सलॉ सैंडविच या कोल्सलॉ सैलेड जितना कलरफुल है उतना ही हेल्दी भी है, बिकॉज देखिए इतना सारा फाइबर है इसमें थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। एंड आई टेल यू ये ड्रेसिंग की जो यूनिक पार्ट है ना वो द एडिशन ऑफ
विनेगर है, मतलब दिस इज अ मेयो बेस्ड ड्रेसिंग, लेकिन इसमें एक टार्टनेस, एक सावरनेस आता है थ्रू द एप्पल साइडर विनेगर, जिसकी वजह से वेजिटेबल्स थोड़े और भी सॉफ्ट हो जाते हैं एंड इट जस्ट गिव्स सच अ फैबुलस टेस्ट. चलिए तो एज यू मस्ट हैव गेस्ट, इट्स टाइम टू मेक द ड्रेसिंग. सो ड्रेसिंग के लिए मैं लूंगी एक बोल एंड इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मेयोनेज. मैंने क्लासिक मेयोनेज घर में कैसे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी दिखाई है, ऑफ कोर्स वो एग वर्जन है, उसका लिंक यहाँ पे है, बट ये आज एक वेजिटेरियन डिश बन रही है, देन ऑफ कोर्स यू कैन यूज एगलेस मेयोनेज लाइक आई एम यूजिंग टुडे. तो सबसे पहले मेयोनेज डालेंगे हम एक बोल में. अब यूजुअली इस सैलेड की ड्रेसिंग में सिर्फ मेयो ही पड़ता है, लेकिन आपको तो पता है कि मैं हर चीज़ में थोड़ा सा अपना ट्विस्ट डालती हूँ. एंड क्या होता है ना, सिर्फ मेयो डालें तो सैलेड बहुत हैवी हो जाता है. मतलब हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्थी सैलेड सैंडविच एंड अगर सिर्फ मेयोनेज से उसे कवर कर दिया तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा रिच हो जाता है, विच इज़ नॉट रियली ऑलवेज अ प्रॉब्लम. बट अगर उसे हमें थोड़ा सा और लाइटनेस ऐड कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ऐड कर रही हूँ थ्रू सम हंग कर्ड. हंग कर्ड बनाना मैंने आप सबको दिखाया है. वैसे तो आप ग्रीक योगर्ट और थिक योगर्ट जो बाज़ार में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में बनाने के लिए हंग कर्ड व्हाट विल यू डू, बेसिक दही लीजिए, उसे मसलिन कपड़े में डालिए, उसका पानी निकलने दीजिए, जस्ट कीप इट फॉर 1 or 2 hours, तो जो बचेगा आपके पास आज का भी नाइस थिक कर्ड. अब हम इसे विस्क करेंगे. इस यमी जस्ट एज इज, लेकिन इसे हम और भी यमी बनाएंगे. जैसा मैंने कहा था इसमें पड़ता है एप्पल साइडर विनेगर. आप रेगुलर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर यूज़ नहीं करना है तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रॉमिस यू एप्पल साइडर विनेगर का बेस्ट फ्लेवर आता है. आई एम गोना ऐड जस्ट दैट. साथ ही वी आर गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट एंड पेपर. अब इसमें थोड़ा सा पंजेंट फ्लेवर डालने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे मस्टर्ड सॉस. अब आई लाइक टू यूज़ डिजॉन मस्टर्ड, बट आप कोई भी मस्टर्ड यूज़ कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम हनी फॉर स्वीटनेस. वैसे आप चीनी भी डाल सकते हैं, बट आइडियली रॉ शुगर यूज़ कीजिए अगर यूज़ करना ही है तो. आई एम गोइंग टू ऐड सम हनी एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स मिक्स मिक्स. Important part, tasting. Yum. Salad अभी बना भी नहीं है, फिर भी लग रहा है कि कोल्सो खा रही हूँ. That is the beauty of this dressing. इतना classic है, इतना unique है, इसलिए शायद लोगों को इसका taste याद रह जाता है, लेकिन नाम नहीं याद रहता है. After all, coleslaw थोड़ा सा confusing नाम भी है ना, इसीलिए शायद ऐसी problem होती है, लेकिन इसका taste बिल्कुल unforgettable है. चलिए नाउ लेट्स ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर. पहले हम बनाएंगे हमारा सैलेड व्हिच इज द कोल्सलॉ सैलेड एंड देन वी आर गोना टर्न दिस इनटू सैंडविच. फर्स्ट लेट मी क्लियर माय टेबल. अब चलिए इसे टॉस कर देंगे. Gorgeous colors. And किस तरह से ये हमारे ड्रेसिंग के साथ मिल के बिल्कुल क्रीमी. And now we're gonna toss this up. Look at these colors. बहुत ही important part of this salad cum sandwich. Actually most salad, अगर आप इसे salad की तरह खा रहे हैं ना तो ideally इसे कम से कम घंटा भर फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये चिल्ड हो जाए और फिर इसे खाने का बहुत मज़ा आता है. लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप सैंडविच के तौर पे खा रहे हैं जो आज हम बनाने वाले हैं, देन इसे आप चिल नहीं भी करेंगे तो भी उतना ही टेस्टी लगेगा. सो नाउ वील मूव ऑन विद द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. भाई सैंडविच बनाने से पहले
सैलेड तो खा के देखा जाए. यम. यू कैन हियर द क्रंच ना. लिटरली इसी का मजा है. क्रंचीनेस फ्रॉम द वेजिटेबल्स, क्रीमीनेस फ्रॉम द ड्रेसिंग. नाउ टाइम टू गेट ब्रेड स्लाइसेस. ब्रेड आप अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं. ग्लूटेन फ्री, मिलेट बेस्ड, होल व्हीट ब्रेड जैसा मैंने यूज़ किया, या फिर बिल्कुल वाइट ब्रेड यूज़ करना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, चलिए. नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन जो मैं बोलना चाहती थी, लेकिन कंट्रोल कर रही थी अपने आप को. बट वंस इन अ व्हाइल इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू यूज़ दैट टू. तो इन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड का पहले मैं हल्का सा साइड्स निकाल दूंगी. अब इन ब्रेड क्रमिंग्स का क्या करना है, मैंने बहुत सारे आइडियाज दिए हुए हैं, राइट? आप इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, आप इसके साथ स्नैक बना सकते हैं. स्नैक का आइडिया था पनीर पॉकेट्स रेसिपी के साथ, जिसका लिंक यहाँ पे है, तो चेक इट आउट. ओके, अब लगाएंगे थोड़ा सा बटर इन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड में. थोड़ा सा बटर इसलिए लगता है ताकि ब्रेड अंदर से सॉफ्ट रहे ज्यादा देर तक. चलिए, बटर लग गया. नाउ लेट्स फिनिश दिस अप. लेंगे हम थोड़ा सा ये कोल स्लो एंड डालेंगे हमारे ब्रेड के स्लाइस पर. चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे, पर बहुत एजेस तक नहीं डालेंगे, बिकॉज जब दूसरा स्लाइस ऑफ ब्रेड ऊपर आएगा ना, वी आर गोइंग टू प्रेस इट एंड इट्स गोइंग टू ऑटोमेटिकली स्प्रेड. जो एजेस में थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स निकल जाएं, उन्हें आप एक नाइफ की हेल्प से वापस अंदर डाल दीजिए. इसी तरह हम और भी सैंडविचेस बना लेंगे. And here, my delicious coleslaw sandwich is ready. अब इस सैंडविच को खाने के लिए आपको कोई महंगे रेस्टोरेंट या कैफे में जाने की जरूरत नहीं है. घर पे बनाइए और खूब खाइए. चलिए, मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ. तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अमिता राइचर शेफ एंड बियॉन्ड. लव यू गाइस.